मान लो कि 50,000 rupees पर मंथ इज योर एक्सपेंस. इफ यू हैव स्टार्टेड मेकिंग 1 lakh rupees फ्रॉम योर कॉन्टेंट पर मंथ, देन यू डू फुल टाइम. सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यदि एजुकेशन इज एक्स एक्सिस, एंटरटेनमेंट इज वाई एक्सिस, आपका कॉन्टेंट एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होना चाहिए. बिकॉज आई कीप सेइंग दिस जोक कि आई डोंट वांट टू लर्न पर्सनल फाइनेंस फ्रॉम अ 19-year-old गाय. या मनीष सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर. कैसे हैं आप? मैं बढ़िया. कैसा लगा आपको बैंगलोर में यहाँ पे आकर? बैंगलोर अंटिल यू हिट द रोड एवरीथिंग इज ग्रेट. मौसम बहुत बढ़िया है आज का. मौसम सही है, बाकी सब ठीक है. But yeah, I have a lot of friends here. Right. I came back to Bangalore after 5 years. Mm-hmm. I used to live in Indiranagar for a year and a half. मुझे बहुत मजा आया. मैं आज, it is my 22nd day in Bangalore. अरे वाह. And I met a lot of my friends. I met a lot of content creators. Mm-hmm. The new ones which have been on internet for 3 years now. Mm-hmm. I mean, they're not new enough. Right. They're like experienced enough now. तो मुझे बहुत मजा आया. आवर जो स्टॉक्स ऑफिस इज आल्सो योर, सो राइट 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 दैट. या जैसा आप बात कर रहे थे अभी लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म के बारे में, व्हेन शॉर्ट स्टार्टेड मैंने नहीं बनाया करता था मैं शॉर्ट. रिसेंटली आई स्टार्टेड गोइंग हेवी ऑन शॉर्ट्स, बट आई आल्सो मेड श्योर कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं लॉन्ग फॉर्म वो उतनी ही रहे. व्हाट इज योर थॉट्स ऑन दिस फॉर एनीवन हु इज गेटिंग स्टार्टेड राइट नाउ फ्रॉम स्क्रैच? शुड दे फोकस जस्ट ऑन क्रिएटिंग रील्स एंड शॉर्ट्स और शुड दे आल्सो फोकस ऑन लॉन्ग फॉर्म? अगर करना चाहिए तो कितना रेशियो पे करना चाहिए? व्हाट शुड बी दैट थिंग? इसके ना 2-3 आंसर है. फर्स्ट आंसर है कि आप जॉनर क्या पिक कर रहे हो और आप क्या करना चाह रहे हो आपके कंटेंट से, एजुकेट एंटरटेन. सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यदि एजुकेशन इज एक्स एक्सिस, एंटरटेनमेंट इज वाई एक्सिस, आपका कंटेंट एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होना चाहिए. इफ़ योर कंटेंट इज इधर एजुकेटिंग और एंटरटेनिंग और यू नो एजुकेटिंग वाइल एंटरटेनिंग, यदि ये नहीं है ना तो आपका कॉन्टेंट नहीं चलेगा. राइट. आप बुक्स के मामले में भी ले लो. बुक्स या तो आप फिक्शन पढ़ते हो तो एंटरटेन योरसेल्फ, या सेल्फ हेल्प पढ़ते हो तो एजुकेट योरसेल्फ, या तो एक ऐसा बुक पढ़ते हो विच इज हिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट विच ऑल्सो टेल्स यू स्टोरी एंड टीचेस यू, लाइक चाणक्य की किताब या भगवत गीता, ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ बुक्स. राइट. एज अ क्रिएटर अगेन, हाउ मच टाइम डू यू हैव इन लाइफ? राइट. उसके हिसाब से आपका कॉन्टेंट स्ट्रैटेजी आप करते हो. राइट. तो अब आई थिंक शॉर्ट्स की वजह से ना एक एक्सप्रेशन को फ्रीडम मिल गया है कि यार इफ नॉट लॉन्ग फॉर्म आप शॉर्ट में भी कर सकते हो. राइट. यू कैन पिक अ टॉपिक एंड स्पीक अबाउट इट फॉर 60 seconds और 90 seconds. राइट. सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड लॉन्ग फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉन्ग फॉर्म जो है ना वो आपके फैंस बोलो या व्यूअर्स बोलो, डीपर कनेक्शन के साथ साथ जो आप दे रहे हो उसका रिटेंशन कितना हो रहा है, दैट इट विल डिफाइन. राइट नाउ दे आर सेइंग अरे शॉर्ट्स डाल के तो कोई भी बड़ा बन जाता. इट इज नॉट ट्रू. आई वॉन्ट टू कैच दोज पीपल एंड से दैट इतना आसान नहीं है. शॉर्ट्स में भी टाइम लगता है. शॉर्ट्स बनाना भी एक स्ट्रैटेजी है. 90 seconds में या 60 seconds में किस तरीके से आप अटेंशन ग्रैब करते हो या हाउ पीपल कम बैक टू यू, बिकॉज शॉर्ट्स में कैसा है लोग इट इज ऑलमोस्ट सेफ टू से कि माइंडलेसली देखते हैं. राइट. रील्स जब आप देखते हो तो आप इसे स्क्रोल करते हो. राइट. आपने देखा स्क्रोल किया, देखा स्क्रोल किया, देखा स्क्रोल किया. बहुत कम होता है कि आप उसी रील क्रिएटर के प्रोफाइल में जाके उसके बाकी के भी रील्स देखते हो. आप उसको फॉलो वाले कर लेते हो बिकॉज यू लाइक दैट काइंड ऑफ कॉन्टेंट. राइट. बट यू डोंट अंडरस्टैंड दैट टू पुट दैट 90 seconds ऑफ कॉन्टेंट देर एटलीस्ट इज 3 hours ऑफ वर्क. Right. Right. You have to first think of the idea. You have to script it. You have to shoot it. You have to edit it. Edit may be a alag-alag edit because you have to grab attention. तो आप उसमें कभी से you know progress subtitle डाल रहे हो, progress bar डाल रहे हो, कोई कोई ऐसे गोल गोल घड़ी डालता है. राइट. एंड एवरी टाइम आई सी बहुत आप लोग बहुत क्रिएटिव हो, नया नया चीज करते रहते हो. राइट. देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन दीपक रमोला, आज वो हार्वर्ड गया है पढ़ाई करने. ही रन्स अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड प्रोजेक्ट फ्यूल. ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड इज अ सॉन्ग राइटर एंड ऑल. अमिताभ बच्चन इज सॉन्ग एंड ऑल ऑफ दैट. थोड़ा जैज़ है उसका. इज अ ऑथर एंड एवरीथिंग. सो आई एम हेल्पिंग हिम ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑन क्रिएटिंग हिज पर्सनल ब्रांड. राइट. सो आई गेव हिज टीम दिस आइडिया कि देखो ये कैसे मतलब सही तरीके से बना. तो जो आप रील्स बना रहे हो उसको हम शॉर्ट्स में भी डाल सकते हैं. सो वी हैव स्टार्टेड अपलोडिंग हिज शॉर्ट्स ऑल्सो. एट द सेम टाइम he also does a 8-minute video where he speaks about different things, like he speaks about spirituality, different topics, like you know empathy and all of that. Right. So his storytelling, which is happening in 60 seconds, will empower the 8-minute video. Right. So there will be an interrelation. However, don't mix it because mindset. आप देखो जब आप reel देखते हो या short देखते हो आपका body language अलग रहता है versus जब आप 8 minute या 10 minute या पॉडकास्ट विच इज 1 hour देखते हो आपको बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाता है. बिकॉज यू नो वाई आर यू कंज्यूमिंग दैट कॉन्टेंट. राइट. सो दिस इज वेर द डिफरेंस इज एंड दैट इज वाई बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई डोंट वॉन्ट टू से दैट रील एंड शॉर्ट्स आर एब्सोल्युटली नॉनसेंस. नो दे आर नॉट. कल को इसमें डीपर सेंस ऑफ मोनेटाइजेशन भी आएगा.
कल पे इसमें ब्रांड इंटीग्रेशन भी आएगा, रील में होता है ना ब्रांड इंटीग्रेशन में होता है, तो शॉर्ट्स में भी होगा ना वो टेक्निकली इट विल जस्ट टेक सम टाइम बट होगा राइट. क्या पता कल को यूट्यूब ये डिसाइड करे कि शॉर्ट्स के लिए अलग ऐप ही लॉन्च कर देना है, कर सकते हैं ना, दे कुड राइट. सो क्या पता इट बिकम्स अ न्यू प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर राइट. सो वी डोंट नो. तो आइडिया इज यदि आप कॉन्टेंट क्रिएटर हो एंड यू हैव टू डिपेंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स टू क्रिएट योर कॉन्टेंट एंड शो योर क्रिएटिविटी एंड योर नॉलेज राइट, तो जो जो वो प्लेटफॉर्म बोल रहा है करने के लिए वो करो, इट्स सिंपल. अदरवाइज अपना खुद का टूल बना लो. राइट राइट. कॉन्टेंट क्रिएशन इज दिस अ ऑप्शन फॉर समवन टू गो फुल टाइम एंड इज दिस समथिंग दैट एवरीवन कैन डू. जैसे कुणाल शाह का भी एक शॉर्ट था इन व्हिच ही वाज टॉकिंग अबाउट जीरो सम गेम्स. सो ही वाज सेइंग कि अटेंशन इज लिमिटेड, लोगों के पास 24 घंटे ही हैं राइट. सो देयर कैन नॉट बी a lot of creators because attention span is limited. What do you think about this? Is this what are your thoughts? Yeah, I mean he's right. Hai na, attention span limited hai, hum sabke paas 24 ghante hai, Raj ke paas 25 hai, wo grind kar. Shout out to Raj, I love Raj. It's just a joke guys, you know. My point is ha 24 hours hote hai right and attention span shrink ho raha hai, all of that is right. Hai na, the question is can everybody become content creator? Should everybody become content creator? I think it is a choice. I think India can accommodate 5 lakh more creators. That is what I think. Right? कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि अरे अब तो saturation हो गया है, कितने creators आ गए, finance भी शरण भी है, finance भी है, अंकुर वारिको भी है, ईशान भी है, फिर उधर भुवन भी है, अभियन्यू है, you know, gaming में इतने सारे हैं, रणवीर है, ये है, वो है, इतना है ना, प्राजक्ता है, यू नो देर आर लॉट ऑफ फीमेल क्रिएटर्स आउट देयर एंड प्राजक्ता लेड द वे एंड ऑल ऑफ दैट राइट. आज मैं बैठा था किसी के साथ, दे आर कॉल्ड जायका एंड दे हैव 6 million फॉलोअर्स, ऑल ऑफ दैट राइट. सो मेनी कॉन्टेंट क्रिएटर्स, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग. बट जब आप यूट्यूब खोलते हो तो आपको ऐसा लगता है क्या देखूँ, आपको ऑप्शन ही नहीं मिलता है राइट. एंड इट इज द सेम फिनोमेना दैट हैपेंस ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्सो राइट. लाइक फॉर एग्जांपल आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज बिल्डिंग दिस ओटीटी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स कॉल्ड स्टेज, दे आर यू नो विनय नाम है उनका. वी वर डिस्कसिंग एंड सेड कि आई हैव नेटफ्लिक्स, आई हैव अमेजोन, आई हैव वूट, आई हैव एप्पल टीवी, देन आई हैव स्टेज, देन आई हैव सोनी लिव ऑल्सो राइट एंड आई हैव अमेजोन प्राइम आई सेड आई थिंक. उसके होने के बावजूद भी Z5 राइट, उसके बाद भी आप कभी कभी बोलते हो क्या देखना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है राइट. अगले दिन संडे को मैंने कुंग फू पांडा मूवी देखी राइट. सो माय पॉइंट इज अब वहाँ पे भी हजारों मूवीज, हजारों सीरीज, सब कुछ है, बट वी स्टिल आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स और न्यू ऑप्शंस राइट और इंटरेस्टिंग ऑप्शंस. सो देर इज अ स्पेस फॉर अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स. हु शुड डू इट, हु नॉट शुड डू इट, यार एनीबडी शुड डू इट, एवरीबडी शुड अटेम्प्ट इफ दे थिंक यू नो लाइक हु आर वी टू से तुमको बनाना चाहिए तुमको नहीं बनाना चाहिए. अच्छा, शुड दे टेक इट फुल टाइम और नॉट एज अ करियर, नाउ दैट्स योर प्राइमरी क्वेश्चन. इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग टू डू राइट. लाइक ईशान इफ यू सी योर लाइफ ऑल्सो राइट, यू आर कॉल इन कॉलेज, यू स्टार्टेड क्रिएटिंग व्हाइल यू आर इन कॉलेज राइट. फिर एक दिन समझ में आया कि यार मैं 4 साल कॉलेज करने के बाद जो मैं जॉब में पॉसिबली पैसा कमाऊंगा वो तो मैं आज बना रहा हूँ और ये कॉलेज मेरे को इंटरेस्टिंग भी नहीं लग रहा है, तो क्या मैं ये पूरा कर सकता हूँ? देन यू डिस्कस विद योर पेरेंट्स, सम फ्रेंड्स हु गाइडेड यू व्हाटएवर एंड देन यू सेड कि अभी मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनूंगा. नाउ दिस इज अ वेरी रिस्की डिसीजन, दिस इज नॉट अ सेफ डिसीजन. डोंट ट्राई दिस एट होम राइट. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट टेक्स इनसेन अमाउंट ऑफ करेज, इट टेक्स इनसेन अमाउंट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, इट टेक्स इनसेन अमाउंट ऑफ ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड देर ऑलवेज इज अ फ्यूर कि यार शिट नहीं चला तो मम्मी पापा तो डंडा मारेंगे राइट. दैट इज अ होल थिंग राइट. लाइक टेक्निकली वी ऑल आर लाइक लोअर मिडिल क्लास पीपल राइट. सो ये होता है ना जॉब सिक्योरिटी. आई एम श्योर योर फादर मस्ट हैव आस्क्ड ऐसे कैसा होगा जॉब सिक्योरिटी का क्या होगा. He didn't even know how much I was earning. Like कुछ कुछ करता है, कुछ कमा लेता है, but he didn't know कि the exact number or something ऐसा कुछ. But when the number was good enough, smart enough, he must have compared in his head कि मैं जब 21 साल का था तो मैं कितना कमाता था या मैं कमाता भी था क्या, तो मेरा बेटा तो अच्छा ही कर रहा है राइट. एंड देन ही देन दे द पेरेंट्स कम एंड दे गिव देयर सपोर्ट राइट. सो मैं सबको ना ये बोलता हूँ घुमा फिरा के, मुद्दे की बात यह है कि जो आपका खर्चा है, मान लो कि एंड नाउ वी आर वी विल से जस्ट फॉर एग्जाम्पल सेक, मान लो कि 50,000 rupees पर मंथ इज योर एक्सपेंस. इफ यू हैव स्टार्टेड मेकिंग 1 lakh rupees फ्रॉम योर कॉन्टेंट पर मंथ देन यू डू फुल टाइम.
And for how many months are we making this 1 lakh? Look, so my point is, आज 50,000 रुपये महीना में मेरा खर्चा है और मैंने यदि 1 लाख कमाना शुरू कर लिया तो आप एक काम करो, वो 1 लाख ना आप 6 महीने तक कमाओ तो आपका 6 लाख रुपया होएगा। इसका मतलब आपने 1 साल का रनवे कमा लिया 50,000 के हिसाब से। उसके बाद ना आप क्विट कर दो भाई आपका जॉब, आपका कॉलेज या जो भी आप, एंड आपको यदि पता है कि जो आप सब्जेक्ट पे कंटेंट बना रहे हो उस पे आप कॉन्फिडेंट हो, कोई कॉमेडी पे बनाता है, कोई इंफोटेनमेंट करता है, कोई फाइनेंस करता है, तेरा नीश क्या है? मेरा नीश पता नहीं एग्जैक्टली, बट यू आर आउट देयर, यू नो, आई थिंक यू स्टार्टेड विद व्लॉग एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? Freelancing is the big thing. I have a playlist on my YouTube channel. That playlist itself has 1 lakh views. Oh, great. So individual videos also have like 4-5 lakh views each video. So they're like 20-30 videos of that sort. So this is a new niche, or this is a unique niche, right? This is not even finance. This is not even self-help. This is about trying to become your coach or a financial coach kind of a thing, or telling you hacks of how to make money. Right? This is a new niche. And maybe that is why you are growing, because nobody else or very few people might be making this kind of content, right? So until you figure this out and until you make that runway, don't quit your jobs or thing. Content tum side pe bana sakte ho, right? You can or else jobs hi aise le lo jisme tumko content banana pade. Aajkal har startup ko reels banani hai, har startup ko video banana hai. और सबको चाहिए कि एक एक कॉन्फिडेंट, एक प्रेजेंटेबल फेस हो। कैमरे के सामने बोलना इज अ स्किल, सबके पास नहीं होता है। और फाउंडर जाके तो बनाएगा नहीं कॉन्टेंट, या टीम मेंबर्स तो नहीं बनाएंगे, बिकॉज टीम मेंबर कुछ कुछ अलग अलग उनका काम है, राइट? तो दे हायर दिस फ्रीलांस में क्रिएटर्स, लाइक जैसे हम बिग ब्रेन में कैसे बाकी इतने सारे क्रिएटर्स आते हैं, देर इज अ मॉनिटरी बेनिफिट दैट दे ऑल्सो गेट, राइट? सो तुम जो भी उस चीज को बना लो यदि तुमको फन आ रहा है, राइट? एंड देन साइड में अपना करो। जैसे हमारा एक, आई वुड लाइक टू मेंशन अ गाय, हिज नेम इज अमन जैन, ही आल्सो इज अ यूट्यूबर, वो व्लॉगिंग करता है, ऐसे लाइव वीडियोस बनाता है एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इज अ क्रिएटर एट बिग ब्रेन, राइट? सो बिग ब्रेन पे फुटप्रिंट्स है, हां सो बिग ब्रेन पे मतलब ही गेट्स सम मनी, राइट? देन ही डज फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, सो दैट इज समथिंग दैट इज हिज जॉब इज, तो उसके लिए भी he gets money and then he's making content, right? Now one day he's going to get 1 million subscriber and all of that. After getting 1 million subscriber, he will get brand deals, he will get YouTube AdSense money and all of that, right? तब वो maybe decide करेगा कि अभी मेरे को ये फिल्मोग्राफी वाली बिजनेस नहीं करनी, या मे बी उसके लिए टीम बना देगा और वो एक कंपनी बन जाएगी, राइट? एंड देन ही विल बिकम अ फुल टाइम कॉन्टेंट क्रिएटर। सो दिस इज हाउ यू शुड प्लान योर करियर। और किसी को कन्फ्यूजन है तो मेरे को रीच आउट करो, मैं सॉर्ट कर दूंगा। नहीं, बिकॉज दिस इज समथिंग आई रिलेट विद एज वेल। जब मेरे 3,000 सब्सक्राइबर थे, 3,000 सब्सक्राइबर्स, नो वन विल एक्सपेक्ट। कब ये भी बता, कब थे 3,000 सब्सक्राइबर, कब थे? ये बात हो रही है अप्रैल 2000 या फिर जुलाई 2020 की। अपने चैनल पे अपलोड करना। At that time, I didn't know anything about content right usage क्या होता है, उसको क्या चला सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अभी तू मेरे को जब फोन किया था थोड़े दिन पहले, कि कोई एक कंपनी तेरे को फोन किया था, बोला तेरे को पैसा देगा और तू उसको बैकएंड का एक्सेस दे, मैंने बोला था मारूंगा। तो वही मतलब, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट, पर उसमें उनका मैंने काम किया, आई लर्न अ लॉट अबाउट कि भाई बोलते कैसे वीडियो के अंदर, राइट? तो इट वॉज रेपिटेटिव टास्क, बट आई लर्न अ लॉट। वो हसल करना मैंने सीखा, तो सुबह उठ करके एक वीडियो उनके लिए बनाया। हसल का नाम रिप्लेस करके राशवानी कर देना चाहिए। हाँ, तो बेसिकली वही मैं बोल रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी हर लेवल पर आ जाती है एज अ क्रिएटर, आपको पता भी नहीं होता। एंड दैट वाज माय फर्स्ट फ्रीलांस गिग, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसा होगा, सो दैट हैपेंड। मैंने एक पाइथन की प्लेलिस्ट बनाई थी, पाइथन कोडिंग कैसे सीख सकते हैं, राइट? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो बेसिकली यू वर अ कोडर एंड प्रोग्रामर टाइप। अभी भी कोडर, हां, मतलब बेसिकली यू आर अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। हां, नाइस। ग्रेजुएट नहीं हूं, बट मैंने सीख लिया कोडिंग YouTube यूजर। हां, मतलब आता है तो ग्रेजुएट है, राइट? तो आई पुट आउट अ ट्यूटोरियल सीरीज, मैंने 5 वीडियो बनाई, हर वीडियो पे कुछ 30-40 व्यू आ रहे हैं, ओके, राइट?
एंड मैंने बोला व्यू तो आते हैं इस पर, तो बाकी कॉन्टेंट बनाता हूँ, पॉडकास्ट वाला सब वही करता हूँ. तो मैंने वो छोड़ दिया. उसके बाद फिर आई गेट अ रिक्वेस्ट ऑन लिंक्डइन फ्रॉम अनअकैडमी सेइंग दैट हे वी सॉ दैट ट्यूटोरियल दैट यू मेड, 40 व्यू थे उस वीडियो पे, एंड दे सॉ इट एंड दे सेड दैट वी वांट यू टू बिकम अ टीचर ऑन अनअकैडमी, पाइथन सिखाओ. हाँ, तो मैंने फिर एक साल पाइथन सिखाया. 350 घंटे की लाइफ वो टीचिंग करी मैंने वहां पर, हर दिन बैठ करके बच्चों को पढ़ाता था. एंड कभी ऐसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि 40 व्यू पर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जो इतने लॉन्ग टर्म चल जाएगी. राइट राइट. इट्स जस्ट बट आई थिंक यू आर क्रिएटिंग कॉन्टेंट विच वॉज रिक्वायर्ड एंड समबडी वॉज देयर टेकर. राइट. मतलब आप जब मेहनत करते हो ना, तो वो बोलते हैं ना कि जब तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो ना, तो एक दिन लक आदमी झक मार के बोलता है भाई ठीक है मैं आता हूँ अब तेरे पास. राइट. सो उस तरीके से. राइट. सो दे फिगर्ड आउट एंड देन यू मेड मनी. राइट. देन यू गॉट कॉन्फिडेंस कि यार इसे पैसे बन सकते हैं. राइट. एंड देन थिंग्स मूव्ड ऑन. राइट. बट जैसे आपने बताया, मुझसे पूछा कि तुम्हारी नीश क्या है. राइट. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि बनाऊं क्या कंटेंट, मैं व्हाट कंटेंट शुड आई क्रिएट. और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, दे आर टीनेजर्स एंड दे वॉन्ट टू मेक कॉन्टेंट. Is that the right thing for them to do? जैसे कि जैसे कोई ऐसे अंकुर है, right? So he has experience of the last 20-30 years that he is sharing with people. That makes sense, and he can create a lot of videos like that. So, but for someone who's a teenager who maybe doesn't have a lot of experiences, should they get into content creation? And like, what do you think about this whole thing? Niche कैसे ढूंढने से? Right. So there cannot be an absolute answer, yes or no to it. Who are we to judge, right? Or who are we to decide कि किसको बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए? Anybody and everybody who thinks that they can create content and perform in front of the camera should do it. What they should make video about, that is a little subjective, because I keep saying this joke ki I don't want to learn personal finance from a 19-year-old guy. Right, like matlab because kyunki yaar risky hai. Right, because I'm working with this organization right now. I'm helping them do few things. They're called One Finance, right? And when I speak to their founders, Jeet and Keval, these guys are like 20 years of experience in helping people do their personal finance. And now they have dared to come and speak about it. And I'm like, yaar, inke paas kitna permutation combination hoga? Inhone kitne sare, wo kya bolte hain apan? Recession and you know, bull market or bear market, kya kya wo sab hota hai. So wo sab dekhe honge, right? They must have seen so many sunrises and rains, right? And now they are daring to come and speak about personal finance and they're personalizing. राइट. सो इट डिपेंड्स कि कौन सा नीच आप चुन रहे हो. राइट. जैसे कोई एंटरटेनमेंट है, मान लो कि कोई डांस कर रहा है, तो डेफिनेटली यार डांस करने की कोई इमोशन थोड़ी होती है. राइट. कभी भी मतलब चाइल्ड आर्टिस्ट भी होते हैं, बड़े होके भी होते हैं. राइट. ऑल ऑफ दैट. राइट. तो वो अलग बात है. कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई मिमिक्री कर रहा है, कोई फनी है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट ए 17-year-old मान ले, ओके, इज टीचिंग हाउ टू प्ले चेस, और भाई उसने ऑलरेडी यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल जीत रखा है, तो 100% दैट पर्सन हैज क्रेडिबिलिटी एनफ टू मेक दैट वीडियो. राइट. इफ समबडी इज टीचिंग एस्ट्रोफिजिक्स, बट मान ली कि वो एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडलिस्ट है और वो 15 साल का है, तो ठीक है ना भाई, चलेगा, सही बात, वो सिखाएगा ना. एक कोई 22 साल का है और वो मैथ्स का चैंपियन है. एक आई थिंक वी हैव अ फ्रेंड आल्सो, हिज मैथ्स का चैंपियन एंड ऑल ऑफ दैट. राइट. सो यदि वो कल को कंटेंट बना के सिखाता है मैथ्स कैसे, कैलकुलेशन कैसे करना है, 100% करना चाहिए. देन एज हैज नो थिंग. राइट. बट या हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल, ये थोड़ा सा ये करके, और आप जो कंटेंट बता रहे हो उसके किसके जिंदगी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑन फाइनेंशियल लेवल, ऑन एजुकेशनल लेवल, ऑन साइकोलॉजिकल लेवल, यू नो, ऑन हैप्पीनेस क्वोशेंट, ये सारा कैलकुलेट करके, आई मीन 13 अबव लोग बना सकते हैं. 13 के नीचे आई थिंक फोन थोड़ा सा कम यूज करके पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बट 13 अबव लोग यू कैन डेफिनेटली मेक कंटेंट. डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डूइंग एंड लाइक दैट. रणवीर से मिला था मैं अभी रिसेंटली. हां, एंड मिला तू? हां हां मिला. सो ही लव्स यू मुंबई. हां, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके. एंड व्हाट ही सेड वाज कि गेट इनटू स्टोरी टेलिंग. राइट. तो ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि लाइक हाउ कैन समवन गेट बेटर एट स्टोरी टेलिंग पर्टिकुलरली. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जानवी इज अ इंस्टाग्राम क्रिएटर एंड शी इज आल्सो लाइक 17, आई थिंक अब 18 की हो गई होगी. राइट. व्हेन शी स्पोक टू मी शी वाज 16 and a half, लाइक 1.5 साल से मेरे से बात कर रही है. नाउ शी क्रिएट्स कॉन्टेंट ऑन भगवद गीता. राइट. सो शी टेक्स अ श्लोका. So, देखा है मैंने. हाँ, right? And she explains what that श्लोक meant. Right? Now, this is what Ranveer meant, कि get into storytelling. So, for example, कोई एक incidents उठा लिया
जो हमारी इतनी कहानियों की किताब है ना, जो मालगुडी डेज और यू नो बहुत सारी ऐसी जो हमारी पुरानी किताबें हैं, कहानियां हैं, राइट, नानी की दादी की कहानियां, ऑल ऑफ दैट, इवन दैट इफ यू कैन कम एंड परफॉर्म बेटर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इवन दैट विल वर्क, राइट। और जैसे थिंक स्कूल, लाइक फॉर एग्जाम्पल, राइट, आई लव थिंक स्कूल, आई लव गणेश, राइट, एंड ईच वीडियो इज सच पावरफुल, राइट, दैट वो बिजनेस केस स्टडी ब्रेक डाउन करता है, कभी कभी कंट्री का केस स्टडी ब्रेकग्राउंड करता है, अभी श्रीलंका में कुछ हुआ तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, दैट इज स्टोरी टेलिंग, राइट। ही विल से दैट ओके व्हाई कलर ऑफ ट्विटर लोगो इज ब्लू, एंड ही विल एक्सप्लेन कलर साइकोलॉजी, और उसके लिए वो पहले 10 घंटा पढ़ाई करें, राइट, देन ही विल एक्सप्लेन, सो लाइक बिग ब्रेन फॉर दैट मैटर, राइट, इट्स अ स्टोरी टेलिंग, लाइक डिफरेंट डिफरेंट हॉरर है उसमें, उसमें स्कैम्स के बारे में बात कर रहे हो लोग, उसमें कुछ कुछ कर रहे हैं, राइट, अभी कल एक मार्स वार्स का कोई कहानी आया था, राइट, सो स्टोरी टेलिंग, सो दिस इज व्हाट रणवीर मेंट, कि यदि आप कहानीकार हो तो आप जियोगे, राइट। देखो ईशान, मैं एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ, लाइक मान ले वी डोंट इवन नो कि व्हेन वाज भगवद गीता रिटन, व्हेन वाज महाभारत रिटन, व्हेन वाज रामायण रिटन, वी डोंट इवन नो, हजारों साल पुरानी कहानी है, राइट, अच्छा वी डोंट इवन नो कि वो रियल स्टोरी है नहीं है क्या है, वो वी शुड नॉट गो इन दैट डिस्कशन, राइट, बट माय पॉइंट इज इट स्टिल रेलेवेंट इन टुडेज डेट, आज भी सीरियल बन रहा है, रामानंद सागर जी लोगों ने बनाया, ओजी वाला रामायण जो हम लोग टीवी पे देखते थे, उसके बाद वो नए नए चैनल्स पे भी अलग अलग हिसाब से आजकल सिक्स पैक वाले राम जी आ गए, तो यू नो वो भी होता है, राइट, सो माय पॉइंट इज कहानी तो वही है ना, रॉयल्टी मिल रहा है क्या जिसने लिखा था, तुलसीदास ने या वाल्मीकि ने, उनको तो थोड़ी रॉयल्टी मिल रहा है, लेकिन हम कहानियां तो कहे कि अपना घर चला रहे, राइट, दैट्स व्हाई स्टोरी टेलिंग विल ऑलवेज लिव एंड यू शुड डू स्टोरी टेलिंग, सो यू शुड ब्रिंग अ लेयर ऑफ स्टोरी टेलिंग इन एवरीथिंग दैट यू डू, लाइक इवन मान ले कि कल को जाके तू फ्रीलांस के बारे में बता रहा है, तो आई वुड लव इफ यू वुड से देर वॉज अ बॉय हु और देर वॉज अ गर्ल हु आर स्ट्रगलिंग विद दिस एंड दिस एंड देन दे फाउंड दिस एंड दिस इज हाउ दे डिड स्टफ, राइट, सो ये what you did it, you set up a narrative, right, so ye narrative chalega, people like listening to stories, right, matlab hum college bhi bunk karte hain to kahani banate hain na ki sir wo chot lag gaya tha sir main aapko pata nahi sir ye ho gaya tha sir assignment delay hota hai to hum kahani banate hain na, right, so what we tell is we sell stories only, right, so that's what will work on internet, right main aapse mil karke aapki humility aur simplicity ko dekha, so I just want to ask this question ki like जैसा मैं बताया, लाइक यू डोंट हैव एस्पिरेशंस टू बिकम रिच और टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट, तो ऐसा क्यों है, यू नो लाइक बहुत सारे लोग, इवन आई एट अ सर्टेन पॉइंट हैव कि ठीक है मेरे को दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, तो व्हाई डोंट यू हैव दैट एंड हाउ डू यू कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड एवरी डे? यार आई टेल यू, ओके, देयर इज अ वेरी फिलोसफिकल आंसर टू इट एंड आई डोंट नो कितने लोगों को समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, या यू नो लोग विल से क्या ऐसे ही बोल रहा है, इफ आई गेट अप टुमारो मॉर्निंग आई विल बी ग्रेटफुल, राइट, because there is 50-50 chance I might not, right, nobody can give guarantee if I'll get up in the morning or not, right, and if I manage to live that day and sleep peacefully, now if you see the circle of 24 hours and if you see the things that you need in these 24 hours, you have limited things that you need, right, right? And I am making that kind of money and I'm also mindful of having some security because I have a mother and a sister to take care of, right? So unke liye bhi I make sure ki matlab, you know, my sister earns, but I still make sure that whatever she earns, she invests, and I give ghar ka kharcha, right? It is just to empower her, right? And it's not that I'm saying ki nahi nahi tu ladki hai to tu kharcha mat kar, no, she invests, she properly invests, right? And like all that Zerodha and whatever she does, right? Usko bhi maine bola ki seekh le all of that, and she learned and she invests, right? So my point is, मैं ना ये देखता हूँ कि यार व्हाट इज एनफ, मेरा एनफ क्या है, और वो एनफ तक थोड़ा सा बना लेता हूँ, एंड देन आई ऑलवेज आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज माई नीड एंड व्हाट विल बिकम माई ग्रीड, जो मेरा नीड है ना मैं वहाँ तक रखता हूँ, और जो जो उसके एक्सेस है ना वो मैं बांट देता हूँ, लाइक लिटरली आई कीप डोनेटिंग, आई कीप पुटिंग हियर एंड देयर, बट आई एम माइंडफुल ऑफ क्रिएटिंग दैट सिक्योरिटी ऑल्सो, आई एम माइंडफुल कि मेरे पास मम्मी और बहन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस है, मम्मी और बहन के लिए टर्म इंश्योरेंस है, मेरा नहीं है, राइट, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस वगैरह नहीं है, बट आई लाइक लिविंग लाइफ ऑन द एज और रिस्क, थोड़ा सा पागल बोल लो मुझे, बट आई एम लाइक दैट, यू नो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, राइट, सो इट्स अ पर्सनल चॉइस दैट आई हैव मेड, राइट, आई थिंक इट इट कीप्स मी फ्री, देर इज नो फियर, कोई लाइबिलिटी नहीं लगता है मुझे, राइट, आई एम रेडी टू डाई टुमारो इफ आई एम सपोज टू, राइट, इट जस्ट गिव्स मी दैट थ्रिल ऑफ लाइफ,
and that is why how I am, right? Because I've seen the lowest of the lows and I've seen decent and of good also, right? So I've decided ki matlab I've learned ki paisa banana aasan hai, right? It's not that tough. Mehnat hi karna padta hai bas, right? So that is why I live like this, right? Mm-hmm. So yeah. मनीष सर एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे क्रिएटर्स का होता है एंड दैट इज यू नो कंटेंट एक हद तक मैं बना लूंगा राइट right? मैं बना रहा हूँ 2 साल से 3 साल से अब मुझे लगता है कि अब और क्या बनाऊँ बिकॉज ऑफ माय फ्रीक्वेंसी की मैं बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ अपने चैनल पर मतलब 15 वीडियो कभी जाती हैं तो 15 वीडियो into 2 साल बहुत सारा वीडियो जा चुकी हैं नाउ आई एम जस्ट वंडरिंग कि अब क्या बनाऊँ मैं ऑडियंस से पूछता रहता हूँ क्या बनाऊँ फिर सोचता हूँ कि खुद की लाइफ में कुछ नया हो जाएगी कुछ नया कंटेंट बना दूँ तो अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल चले जाते थे मैंने इसका एक वीडियो देखा था उसमें हॉस्पिटल चला गया तो सच में हॉस्पिटल गया था कि हॉस्पिटल गया सच में ब्राइब करके तू बेड पे सो गया था वो 500 रुपए दी थी तो फीस थी तो क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन आई सस्टेन एज अ कंटेंट क्रिएटर हाँ तो आई थिंक दिस अगेन क्वेश्चन कम्स बैक टू जॉनरा क्वेश्चन कम्स बैक की व्हाट मोर लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक्निकली सी ऑल कॉन्टेंट क्रिएटर्स आफ्टर एवरी ईयर और टू दे पिविट जैसे स्टार्टअप में पिविट होता है ना वैसे कॉन्टेंट क्रिएटर भी पिविट करते हैं राइट मतलब स्टाइल चेंज होता है अभी फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक क्लोजेस्ट एग्जाम्पल रणवीर का पियर बाइसेप्स का ही स्टार्टेड एज अ फिटनेस बॉडी बिल्डिंग ही वॉज ऑल्सो कुकिंग चैनल यू नो दैट कुकिंग या सो ही यूज टू टीच रेसिपी कि हाउ डू यू मेक अ हेल्दी पोहा हाउ डू यू मेक अ ऑमलेट हाउ डू यू मेक दिस फिश तभी वो नॉनवेज खाता था तो वो सब बनाता था हाउ डू यू मेक दिस चिकन व्हाटएवर प्रोटीन शेक वो भी किया उसने फिर उसने जिमिंग सिखाया कि अपना बॉडी बनाया उसके बाद बोला कि ऐसा शोल्डर ट्राइसेप्स ये सब करो उसके बाद फैशन हाँ उसके बाद जब वो एकदम सेक्सी बॉय बन गया तो उसने बोला यार मैं थोड़ा सा बाल वाल स्टाइल करता हूँ थोड़ा कपड़े अच्छा पहनता हूँ तो मैं अच्छा दिखता हूँ बाय गॉड्स ग्रेस ही इज हैंडसम अच्छा पैदा हुआ है राइट तो उसने जब स्टाइल मार के फोटो वोटो खिंचाए तो लोगों ने उसको भी पसंद किया राइट तो उसकी भी बारे में वीडियो बताया उसने स्टडी भी की कि भैया कलर कॉम्बिनेशन कैसे होता है राइट परफ्यूम के बारे में स्टडी की और उसके बारे में वीडियो बनाया उसके बाद उसको पता चला कि यार वो कम्युनिकेटर बहुत अच्छा है राइट तो उसने वो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बनाया वीडियो कि हाउ डू यू इम्प्रेस अ गर्ल अब थंबनेल में वो लिखा रहता है हाउ डू यू इम्प्रेस अ गर्ल पर अंडर जाओगे तो फिर पता चलता है कि 5 ways टू टॉक टू पीपल एंड ऑल ऑफ दैट आता है राइट हाउ टू क्रैक दैट टू बिल्ड योरसेल्फ अप है ना हाउ टू बी कॉन्फिडेंट तो ये सब वीडियो बनाया उसके बाद ही स्टार्टेड डूइंग एक्सप्लेनर वीडियोज सो ही स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन से 5 things टू लर्न फ्रॉम शाहरुख खान 5 things टू लर्न फ्रॉम विराट कोहली 5 things टू लर्न फ्रॉम MS धोनी सचिन तेंदुलकर अब्दुल कलाम ये सब उसने बनाया एक्सप्लेनर वीडियो बनाया उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि यार अब ना पॉडकास्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं ये और पॉडकास्ट जो है ना ये सब चीज का मिश्रण है ये सब नहीं किया होता ना तो पॉडकास्ट नहीं कर पाते राइट तो वो पॉडकास्ट स्टार्ट किया पॉडकास्ट में क्या है गेस्ट को बुलाओ बढ़िया उनसे सीखो और दुनिया को डाल दो राइट तो उसमें उसको मजा आने लगा राइट वो पॉडकास्ट करने से पहले मिनी पॉडकास्ट किया उसने पता है तेरे को पैरेलल हिंदी साइड हैपेंड तो दिस इज हाउ यू नीड टू लाइक फिगर आउट कि यार तेरे को किस चीज में मजा आ रहा है तेरे को किस चीज अभी आई विल टेल यू लेट अस टॉक अबाउट भुवन भाई राइट सो भुवन डिड हिज कॉमेडी वीडियोस अपना कैरेक्टर्स 4-5-6 कैरेक्टर राइट फिर धीरे 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 देरी वहां से उनको आइडिया आया और फिर उन्होंने वो ढिंडोरा लिखना शुरू किया राइट पूरे ढिंडोरा को कैसे एकदम फिल्म जैसा बना के दिखाया कितना सही लग रहा है वो राइट एंड यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है और अभी वो जैसे हॉटस्टार के लिए एक सीरीज शूट कर रहे हैं जिसमें ही इज लाइक एन एक्टर ही इज नॉट लाइक दोस कैरेक्टर्स ही इज लाइक एन एक्टर लाइक उसके बारे में अनाउंसमेंट वगैरह भी आया था राइट सो दैट इज हैपनिंग सो दिख रहा है चेंजेस प्राजक्ता फॉर दैट मैटर शी डिड हर ऑल दैट थिंग वीडियोज उसके बाद शी डिड दैट कैरेक्टर प्ले वीडियो ऑल्सो देन शी डिड कॉमेडी वीडियो ऑल्सो उसके बाद नेटफ्लिक्स का वो आया फिर शी केम इन द फिल्म ऑल्सो राइट ऐसे बहुत क्रिएटर्स जैसे अलग अलग चेंज करते रहते अब जैसे फॉर एग्जांपल कविताज किचन राइट कविताज किचन कविता जी का कुकिंग चैनल है तो वो रेसिपी 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 तो कभी खत्म ही नहीं होगा ना नया नया डिश अब वो डिश को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करती है एक नया डिश बनाने की कोशिश करती है लाइक यू नो एक्सपेरिमेंट कर करके तो ये माय पॉइंट इज यू हैव टू कीप री इन्वेंटिंग योरसेल्फ राइट फटीग का जो बात है कि ये मैं थक गया कितने वीडियोस बनाऊं
here is where the sustainability bit comes, right? I keep saying ki as a content creator, you always, if you put 2 videos per week, that means you are putting 8 videos in a month. Mm. That means tumhare paas as a content creator anytime 16 video ka backup hona chahiye. राइट तो तुम थोड़ा सा हसल करके मतलब राजशमानी करके जो है कि वीडियोस एक्स्ट्रा बना लो राइट राज बहुत मारेगा आपने को इसके बाद वो गाली देगा आपने को पॉइंट कर करके राज भाई भी लव यू सो जो है कि हसल करके आप जैसे आप अभी हफ्ते में 2 वीडियो पोस्ट करना है तो 3 बना लो एंड 1 रिजर्व में रख दो राइट तो वो कर करके बैकअप बना लो सो दैट आपके पास एनी टाइम 2 मंथ्स का कंटेंट हो तो आप यदि मान लो कि आप थक गए एकदम ऐसा आइडियाज नहीं आ रहा कुछ नहीं आ रहा तो अनवाइंड करने के लिए टाइम चाहिए तो देन यू टेक दैट मंथ लॉन्ग ब्रेक यू गो टू वेर एवर गोवा वेर एवर विच एवर अभी तो तू पैसा है तो मलेशिया थाईलैंड बैंकॉक बाली दुबई है ना फिर जाओ लेकिन वहां भी जाके फिर कैमरा लेके ऐसे स्टार्ट मत हो जाओ गाइस आई हैव कम टू दुबई ये वो That is a proper break, right? So take that break. Or you go to your village, you go to your nani house, right. dadi house, you know, parents ke saath kahin chale jao, hai na? My point is, do that, right? And then you come back to the circle, right? I think abhi bahut sare content creators have been vocal about it, ki burnout, all of that, right? And ye sabko hota hai. Jo job karte hai, unko bhi hota hai. Jo entrepreneurs hai, unko bhi hota hai. Content creators hai, unko bhi hota hai, right? तो एवरीबडी डिजर्व ब्रेक टेक्स ब्रेक एंड ब्रेक लेने से घूमने से अलग अलग जाने से ही पर्सपेक्टिव आती हैं व्हेन यू मीट न्यू सेट ऑफ पीपल व्हेन यू गो टू अ न्यू कल्चर राइट राइट मेरे चैनल में बहुत सारे ऑडियंस है जो कि फ्रीलांसर बनना चाहती है या ऑलरेडी है फ्रीलांसर एंड दे वांट टू वर्क इन दिस क्रिएटिव फील्ड वीडियो एडिटिंग हो गया या फिर थंबनेल डिजाइनिंग हो गया एंड यू आल्सो वर्क इन जोश सो यू सीन पीपल मेरे को रेज्यूमे भेज दो राइट सब एनीबडी हु इज अ वीडियो एडिटर ग्राफिक डिजाइनर अ कॉपीराइटर एंड इफ यू थिंक यू आर गुड एट इट और इफ़ यू थिंक तुम मेहनत कर सकते हो तुम्हारे में स्किल कम भी है बट यू आर हार्ड वर्किंग तो मेरा ईमेल आईडी पे पूरा सब भेज दो मैं सबको कहीं ना कहीं सबको कहीं ना कहीं मैं आई एम ऑलवेज हायरिंग राइट राइट तो मेरा क्वेश्चन वही था कि यू सीन पीपल ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल मे बी एज एन इंटर्न आए फिर आगे होकर के एज यू सेड कि काफी आगे भी गए गेट प्रमोटेड तो व्हाट वर द क्वालिटीज दैट दे हैव दैट हेल्प देम ग्रो इन द कंपनी एज टाइम वेंट ऑन यू नो व्हाट देयर ऑल genuine hardworking people they did not come to work as they are doing job they came like this is their thing and they have to build it right. so that ownership mentality was there so ek na concept hota hai they say entrepreneurs and they say intrapreneurs right like the guys who are in the organization who might not be on the equity holder and all I mean obviously ESOP वगैरह ये सब होता है but my point is they work like it's their own thing right so that hard work that they put the ownership that they take bojh that they pick up right they think that you know what इसको crack करना है and that junoon that they have right so that makes them you know वो बोलते हैं ना angular velocity physics में so angular velocity मिलता है growth का कि दे क्रैक थ्रू थिंग्स एंड देन लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे जोश में तो बहुत ऐसा एग्जाम्पल है तू तो जानता है राइट जैसे हर्ष जॉइंट एज अ डेटा एनालिस्ट टुडे ही इज हेड ऑफ प्रोडक्ट लाइक इवन इफ यू सी इन कंटेंट क्रिएटर आल्सो लेट अस से ईशान टुमारो समबडी जॉइंस यू एज अ वीडियो एडिटर लाइक दे आर एडिटिंग दिस पॉडकास्ट और व्हाटएवर राइट दैट पर्सन स्टेज विद यू फॉर 4 इयर्स 5 इयर्स राइट इवेंचुअली वो वीडियो एडिटर जो है ना वो ग्रेजुएट होके हेड ऑफ वीडियो एडिटिंग टीम बन जाएगा फिर उसके पास नीच ऑफ और वीडियो एडिटर्स होंगे कल को जाके वो यू नो मतलब पूरा डीओपी हेड करने लगा ही विल बिकम डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी और समथिंग लाइक दैट बिकॉज वो यू नो एंड क्या पता कि कल को जाके वो तेरा को फाउंडर बन जाए क्या पता कि वो कल को जाके तेरा को फाउंडर बन के वो एडिटिंग वेडिटिंग छोड़ के पूरा ऑपरेशन संभालने लगे राइट तो दिस हाउ थिंग्स चेंज दिस हाउ हाउ यू नो यू ग्रो राइट सो इट इज अबाउट हाउ डू यू पुट ट्रस्ट How do you put time? How do you invest time? How do you are not being greedy at the initial stage and not asking yourself कि मैं क्यों करूँ मुझे क्या मिल रहा है and all of that. So lot of these things, you know, these are the things that differentiate and that's how you like kind of grow in the organization. Like for example, मतलब almost all content creators who I know, right? And उनके जो initial team members थे वो आज भी उनके साथ है ना? And that partnerships have become some people have become co-founders. Some have taken you know larger organizational roles and all right and they run the show right thank you so much for sharing your insights on this video to the audience that I have and thank you so much for coming here